नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयज टेक्निकल में स्वागत है आप सभी का। ये आप देख सकते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का तरफ से ये आज एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला गया है जो कि ये ऑफिस ऑर्डर है। और ये सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, फ्रीजिंग ऑफ ड्यूरेंस अलाउंसेस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड ड्यूरेंस रिलीफ टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एट करंट रेट्स टिल जुलाई 2021। मतलब अगले साल, मतलब 2021 जुलाई तक, जुलाई फर्स्ट मतलब जून 30 तक, जून लास्ट तक आपको ये जो रेट अभी चल रहा है, यही जो करंट रेट है, यही करंट रेट में आपको डीएनएस मिलने वाला है। चलिए बॉडी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दी अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू से दैट इन व्यू ऑफ द क्राइसिस अराइजिंग आउट ऑफ कोविड-19, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट द एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डीएनएस अलाउंसेस पेएबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड डीएनएस रिलीफ टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स ड्यू फ्रॉम January 1, 2020 शैल नॉट बी पेड। देखिए, ये जनवरी से ही जो बाकी है, January 2020 से जो बाकी है, ये भी नहीं दिया जाएगा। द एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्यूरेंस अलाउंसेस एंड ड्यूरेंस रिलीफ ड्यू फ्रॉम 1 जुलाई 2020 एंड January 2021, मतलब ये जुलाई 2020 और January 2021 से भी ये आपको मिलने वाला नहीं है। ड्यूरेंस अलाउंस शैल नॉट बी पेड एंड हाउ एवर ड्यूरेंस अलाउंसेस एंड ड्यूरेंस रिलीफ एट करंट रेट्स विल बी टू बी कंटिन्यू। मतलब ये जो रेट है अभी वही रेट में मिलेगा आपको डीए। और सेकंड जो पारा लिखा हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग को एरियर मिलेगा कि नहीं, ये आप देख सकते हैं। एज एंड व्हेन द डिसीजन टू रिलीज द फ्यूचर इंस्टॉलमेंट ऑफ डीएनएस अलाउंसेस एंड डीएनएस रिलीफ ड्यू फ्रॉम July 1, 2021 इज टेकन बाय द गवर्नमेंट, द रेट्स ऑफ डीएनएस अलाउंस एंड डीएनएस रिलीफ एज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 एंड 1 जनवरी 2021 विल बी रिस्टोर्ड प्रोस्पेक्टिवली एंड विल बी सबसम्ड इन द क्यूमुलेटिव रिवाइज रेट इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2021। मतलब आपको जुलाई 2021 से जो मिलने वाला है डीए, वो आपका ये जो अभी चल रहा है डीए रेट, मतलब ये रेट में नहीं है। और जो बढ़ने वाला था, मान लीजिए January 2020, July 2020 और January 2021, मतलब 2021 का जो बढ़ने वाला है, मान लीजिए 3 करके बढ़ेगा, 3% करके, तो एक साथ आपको 9% ये जुलाई से भी आपको मिलेगा। मतलब एरियर तो मिलने वाला नहीं है, जितना भी बाकी रहेगा एरियर मिलने वाला नहीं है, लेकिन सब जोड़ के आपको 2021 जुलाई से आपको मिलने वाला है डीए। और ये देखिए आप, नो एरियर्स फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टिल 13 जून 2021 शैल बी पेड। मतलब आपको एरियर मिलने वाला नहीं है, लेकिन जो डीए बढ़ने वाला है, डीए बढ़ेगा। जैसे कि 3 बार हम लोग का डीए नहीं मिलने वाला है, लेकिन 3 बार जो डीए का रेट है, रेट एक साथ में क्यूमुलेटिव, मतलब सब समड, मतलब क्यूमुलेटिव करके दिया जाएगा रिवाइज करके, और ये जुलाई महीने से मिलने वाला है। और दीज ऑर्डर्स शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स। तो ये आप देख सकते हैं, नीचे जो साइन किए हैं एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नर ऑफ इंडिया जो कि आनी जर्ज माथ्यू, और ये कॉपी टू दिया गया है ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट बताए, अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।